भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अब फंसते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अपने बयानों को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में बयान दिए थे उन्हें लेकर अब वो इतने ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं कि लोग जो कि अखिलेश समर्थक लोग हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पे लगातार ट्रोल कर रहे हैं कि आपने तो कहा था कि आप विधि का विधान बदल देंगे, आपने तो कहा था कि आप अखिलेश से आसानी से जीत जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि उस भाषण में जिस भाषण का जिक्र लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है कि मैं विधि का विधान बदल दूंगा, इस भाषण को दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता से लिया है। आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता को वो बाकायदा मंच पर बोले और उस चीज को अब इस तरह पेश किया जा रहा है कि लग रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस तरह का भाषण दिया कि वो विधि का विधान बदल देंगे, अखिलेश यादव को तो वो चुटकियों में हरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चुनावी प्रचार में जब भाषण होते हैं तो उनमें कई ऐसी बातें होती हैं जो कि विवाद का विषय बन ही जाती है। खैर, इस बार जो विवाद का विषय बना है दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए, वो चुनाव के बाद बना है। अमूमन ऐसा होता है कि लोग जब चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं तभी ऐसी सब बातें विवाद का विषय बन जाती है जिससे लोगों को पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ बिजी हो चुके हैं अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में, तब ये सब बातें उठकर आ रही हैं जिससे सोशल मीडिया का बाजार आजकल दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर कुछ ज़्यादा ही गर्व है। अब वो क्या करने वाले हैं, अब वो क्या करेंगे, अब वो आगे किस तरह की रणनीति बना रहे हैं इन सब पर। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इस बात पर क्लेरिफिकेशन देते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा था कि उनका कहना गलत नहीं था, उसे अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने तो एक सिर्फ बात रखी थी, बात कही थी, हर भाषण में हर राजनेता या नेता ऐसा जरूर कहता है। उनके भाषणों को ही गौर किया जाए तो उन्होंने ऐसा कुछ इतना गलत नहीं कहा था जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है। वैसे हम यही कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर है उनके लिए कि रात गई बात गई। अब इस बात को उठाकर यानी कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर मिलने वाला भी किया है। वैसे भले ही दिनेश लाल यादव निरहुआ हारे हैं लेकिन जीती तो उन्हीं की पार्टी है, सत्ता में तो उन्हीं की पार्टी है, तो हर हिसाब से दिनेश लाल यादव के लिए ये जीत ही हुई और उन्होंने जो किया वो पार्टी के लिए किया यानी कि बीजेपी के लिए किया। अब उसके लिए उन्हें इस तरह से दोषी ठहराना वो सही नहीं है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।